आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फहीम अहमद। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे भी अभी बंद है, और उसके साथ साथ वादी के अंदर काफी बर्फबारी जो अपर एरियाज है उनमें हुई है, और उसके साथ साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिशें जो है अभी भी जारी है। महकमे मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है कि आज देर तक जो है 3 मार्च तक जो है इसी तरह का मिजाज जो है बना रहेगा, और उसके साथ साथ जो अपर एरियाज है उनमें बर्फबारी अभी भी हो सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अभी बंद है, और उसके साथ साथ मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो नेशनल हाईवे है वो उसको यातायात के लिए फिलहाल बंद किया गया है। सफर करने से पहले जो है जो कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए हैं उनसे रास्ता कायम करें, और उसके साथ साथ महकमे मौसम के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जो है श्रीनगर के हार्ट ऑफ सिटी घंटाघर की है, और दूसरी तस्वीर जो है वो नेशनल हाईवे रामबन जिला जो है वहां पे है, और तीसरी तस्वीर जो सबसे बड़ी जगह जो टूरिस्ट के लिए पर्यटकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है गुलमर्ग, उनकी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो है मौसम का मिजाज बना हुआ है। इस बीच हमने जो बात की डायरेक्टर मेट से क्या कुछ उनका कहना है आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में, आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। फहीम अहमद, श्रीनगर। देखो ऑलरेडी एक फोरकास्ट है, मेजर वेट स्पेल का एडवाइजरी भी इशू की है, और खासकर आज सुबह से ही बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर चल रहा है वक्फे से, और मैदानी इलाकों में भी बारिशें जो है अभी चल रही हैं, हल्की बारिशें। तो खासकर आज नाइट से लेकर कल लेट नाइट तक जो इसका पीक एक्टिविटी है, और जिसमें हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का फोकास्ट किया गया है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा, गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, इस तरह डिस्ट्रिक्ट शुपियन, कुलगाम और अनंतनाग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे जगहों पर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, इन सारे जगहों पे जो हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल होगा, और इस तरह मैदानी इलाकों में भी यहाँ वैली के अंदर बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं, और जम्मू डिवीजन के अंदर भी हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रामबन और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। बाकी जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं, खासकर प्लेन्स ऑफ जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सारे जगहों पे जो है बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है सेकेंड लेट नाइट तक रहेगा, फिर ग्रेजुअली जो है इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है 3 दोपहर से होगा, और लगभग फिर 6 शाम तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहेगा। 6-7 के बीच में भी एक माइनर WD के कारण जो है हल्की बारिशें, बर्फबारी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है, फिर लगभग 7 दोपहर से ऑलमोस्ट 10th इवनिंग तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। देखो ऑलरेडी जो हायर रीच ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा और सेंट्रल कश्मीर, खासकर गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पर लगभग 4-5 इंच से लेके 8 इंच तक की बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अंदर भी हल्की बर्फबारी आज सुबह से चल रही है, तो कमिंग टाइम में खासकर आज शाम से जो है इसका एक्टिविटी जो है और बढ़ेगा, और ऑलरेडी फोकास्ट हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल सकता है लगभग सेकेंड लेट नाइट तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। देखो श्रीनगर में बारिशें आज रात से अच्छी बारिशें हो सकती है, और कल डे टाइम में भी बारिशों के साथ साथ खासकर कल लेट आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम से बर्फबारी शुरू होगा। बाकी नॉर्थ कश्मीर में कल सुबह से ही देखने को मिल सकता है, साउथ कश्मीर के अंदर भी कल फोरनून से ही बर्फबारी देखने को मिल सकता है। कुछ एक जो साउथ कश्मीर के ज़िले हैं, खासकर जो पुलवामा एंड एडजॉइनिंग एरियाज, इन सारे जगहों पर खासकर दोपहर के बाद जो है बर्फबारी के इम्कान हैं। एडवाइजरी देखो ऑलरेडी जो हायर रिस्क में रहते हैं वो बिल्कुल एहतियात बरतें, क्योंकि ओलांच के खतरे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इसी तरह जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी ऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू हाईवे स्टेटस और ट्रैवल के लिए, वो उसको पूरी तरह पालन करें। बाकी फार्मर्स जो हैं फिलहाल किसी भी किस्म का फार्म ऑपरेशन ना करें लगभग 3 दोपहर तक, उसके बाद फिर से जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं।